प्रोटेस्ट करने वाली महिलाओं के साथ पुलिस ने की अभद्रता। 500 लेकर प्रोटेस्ट करने का लगाया आरोप, महिलाओं पर मुकदमा दर्ज। देश के अंदर नागरिकता बिल को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राएं प्रोटेस्ट करने के लिए जाकिर हुसैन कॉलेज पहुंचे, जहां पहले से ही मौजूद अलीगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने प्रोटेस्ट करने से रोकते हुए महिलाओं के ऊपर 500-500 रुपए लेकर प्रोटेस्ट करने का गंभीर आरोप लगाते हुए महिलाओं को पुलिस जीप में बैठने की कहते हुए थाने के अंदर ले जाकर चाय पानी पिलाने के साथ अभद्र भाषा का और अश्लीलता का गंभीर आरोप प्रोटेस्ट कर रही महिला अलीगढ़ पुलिस के ऊपर लगाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास के क्षेत्रों में कल महिलाओं ने CAA के विरोध में कुछ जगह पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, जिसको प्रशासन ने विफल कर दिया था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज CO सिविल लाइंस ने RAF, PAC व सिविल पुलिस के साथ आसपास के क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वाली 60-70 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ धारा 188 में मामला दर्ज कर लिया है, जबकि 2 लोगों को जेल भेज दिया है। ये हम लोग फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जैसा कि कल कुछ महिलाओं ने एक प्रोटेस्ट जुलूस निकालने का प्रयास किया था, आज हमने उसी को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से ये पैदल गश्त हम लोग कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? ये MU सर्किल से लेकर करणनगर चौराहे से और उधर फिर जकरिया मार्केट होते हुए DM कंपाउंड होते हुए वापस यहीं पर आएंगे। तो महिला किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, क्या मांग रही है? कल वो महिलाएं जो पुराना उनका चल रहा है उसी को लेकर कल फिर सड़क पर आ गई थी, जिसके संबंध में कल FIR भी दर्ज हो गई है। क्या AMU में प्रदर्शन को चलते भी अलर्ट है? हाँ, ये तो आपको सबको मालूम है कि ये धरना लगभग 1 महीने ज़्यादा हो गया चलते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पूरी सुरक्षा लगाई गई है। आज कोई अलर्ट इनका प्रदर्शन नहीं है छात्रों का? छात्रों का अंदर प्रदर्शन है, वो अंदर ही रहेगा, बाबे से बाहर नहीं आएंगे। वहीं नागरिकता बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद नाराजगी जताते हुए सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर अपना हक की आवाज उठा रही महिलाओं के ऊपर अलीगढ़ पुलिस ने 500-500 लेकर प्रोटेस्ट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तुम वही महिला हो, वही साथ ही। प्रोटेस्ट करने वाली महिला ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 200 लेकर मोदी के प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, हम उन लोगों में से नहीं। प्रोटेस्ट कर रही AMU के अंदर पढ़ने वाली BA फर्स्ट ईयर की छात्रा से पुलिस वालों ने ID कार्ड दिखाने के लिए कहा। वहीं पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट करने पहुंची महिलाओं के साथ गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए बैड लैंग्वेज यूज करते हुए पुलिस जीप में बैठने को कहा। आए सब लोग यहाँ पर हैं, इसीलिए तो आ रहे हैं। CAA में, NRC में किस लिए आ रहे हैं लोग? यहाँ इतने दिन से परेशान कर रखा है और ऊपर से इतनी गंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं कि कुछ पूछिए नहीं। जाओ जाओ यहाँ से, चलो चलो भागो भागो। ये कोई तरीका है? ये पुलिस ये बोल रही है जाओ जाओ भागो भागो, ये तरीके वाली बात है? थाने ले जाएंगे और चलो चाय पानी पिलाएंगे। इतनी बदतमीजी बोल रहे हैं, हंसे दादा। किस उसमें आई थी आप? हम लोग अपने हक के लिए आए, जो NRC और CAA जो लागू किया गया है, हम लोग उसके प्रोटेस्ट में निकले हैं। तो ये लोग कह रहे हैं हमसे कि तुम लोग 500-500 रुपए लेकर आ गए हो, तुम वो लेडीज हो। तो हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि आप लोग करते हैं, ये मोदी जी करते हैं, ये 200-200 रुपए लेकर जो अपना प्रोटेस्ट करते हैं ना, वो हम लोग वो नहीं है, ये हमें वो ना समझे। आप MU की छात्र? जी हम छात्र हैं MU की, BA फर्स्ट ईयर। हमसे कह रहे हैं अपना ID कार्ड दिखाइए। तो आपको करने नहीं दिया? जी नहीं करने दिया हम लोगों को। क्या से और इतनी बैड लैंग्वेज का लोगों ने लेडीज के साथ यूज किया है और कह रहे हैं कि चलो बैठो हमारी कार में, तुम लोग का भी ले जाते हैं। पुलिस वाले ने नागरिकता बिल को लेकर प्रोटेस्ट करने पहुंची महिलाओं के साथ पुलिस वालों ने गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए प्रोटेस्ट नहीं करने दिया और साथ ही पुलिस वालों ने धरना स्थल सही है कहते उठा दिया। जाओ जाओ चलो चलो भागो भागो, यहाँ से यह कोई तरीका है इन पुलिस वालों का, जो कह रहे हैं कि तुम सबको थाने ले जाकर थाने के अंदर चाय पानी पिलाने का आरोप प्रोटेस्ट कर रही महिलाओं ने पुलिस के ऊपर लगाया। खबर जगत अली।